हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिम्मत केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इक्वेशन बैलेंसिंग, हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन, इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो देयर आर टू मेथड्स, इनकी दो मेथड्स हैं। नंबर वन आइनेटॉन मेथड और सेकेंड होगी हमारी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आइए चलिए देखते हैं कि कोई भी इक्वेशन यदि दिया हो और इक्वेशन को हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा कैसे बैलेंस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये आपकी होगी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो देखिए बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। कि कोई भी आपका इक्वेशन दे दिया जाए, आयनिक इक्वेशन हो या मॉलिक्यूलर रिएक्शन के फॉर्म में आपका इक्वेशन गिवन हो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई आपका आयनिक कंपाउंड दिया हो, आयनिक आपका इक्वेशन है और उसे हमें बैलेंस करना है। तो आयनिक रिएक्शन मान लो ये दे दिया गया Cr2O7 डबल माइनस और प्लस C2O4 डबल माइनस गिव्स Cr प्लस का 3 प्लस CO2 प्लस H2O। इस रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा आपको बैलेंस करना है। तो देखिए जरा चलिए स्टेप वाइज की बात करते हैं कि किस तरीके से इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं और क्या इनका मेथड होगा बैलेंस करने का, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला क्या करना है हमको कि जो भी हमारी गिवन रिएक्शन हो, गिवन इक्वेशन हो, उसकी हाफ रिएक्शन को हम सेपरेट करते हैं। हाफ रिएक्शन, तो यहां पर क्या होगा कि जो क्रोमियम आपका है रिएक्शन करके क्रोमियम Cr प्लस का 3 फॉर्म करेगा। तो यहां पर हमने लिखा ऐसे Cr2O7 डबल माइनस गिव्स Cr प्लस का 3 और इसी में C2O4 ऑक्सलेट आयन है, ये रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब ये हमने हाफ रिएक्शन लिख लिया। अब इसके बाद आपको करना एटम बैलेंस, AB बैलेंस एंड इसी स्टेप में देख लेते हैं चार्ज बैलेंस, CB बैलेंस। दो चीजें यहां पर बैलेंस करनी है, एक हमारा एटम बैलेंस और एक यहां पर आपका चार्ज बैलेंस। तो हमारे लिए इक्वेशन गिवन थे, पहला इक्वेशन हमारे पास क्या था, ये लिया हमने यहां पर Cr2O7 डबल माइनस गिव्स Cr प्लस का 3। अब यहां पर क्या है, इससे हाफ रिएक्शन को हमने सेपरेट किया हुआ था। अब इसके बाद हमें एटम बैलेंस करना, तो एटम कैसे बैलेंस करते हैं, यहाँ पर क्रोमियम आपके पास 2 है, यहाँ क्रोमियम हमारा सिंगल है। अब जब एटम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्रोमियम आपके पास 2 हो गए। दोनों साइड देखिए एटम आपके बैलेंस हुए। इसके बाद अब देखते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मीडियम को देखते हैं कि मीडियम एसिडिक है या बेसिक। एसिडिक मीडियम है, यदि मीडियम हमारा एसिडिक है तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए पहले वाटर ऐड करना। तो यहाँ पर 7 है आपके, तो 7 मॉलिक्यूल हमने यहां किसके ऐड कर दिया, H2O। अब यहां से देखते हैं कि हाइड्रोजन क्या है हमारे, 14 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करते हैं। तो यहां पर हमने 14H+ ऐड किया। अब इसके बाद चार्ज देखेंगे, चार्ज देखेंगे तो Cr पर हमारा प्लस का 3 है और Cr आपके पास 2 है, तो जब 1Cr पर प्लस का 3 चार्ज होगा तो 2Cr पर प्लस का 6 होगा। इस साइड प्लस का 6 चार्ज है और यहां पर आपका माइनस का 2 है और 14 आपके प्लस के हैं, तो ये टोटल क्या बचेगा आपका, प्लस का 12 बचेगा, क्योंकि 14 में से 2 माइनस का लेस हो जाएगा तो प्लस का 12, यहां प्लस का 12 है और यहां प्लस का 6 है। तो हम दोनों साइड चार्ज इक्वल करना, यानी प्लस का यहां 6 है तो यहां भी प्लस का 6 हो, तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन हमको क्या कर देने हैं, प्लस कर देने। जब ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 6 गेन करने पर 6 नेगेटिव चार्ज आएगा, तो जो 12 प्लस का बचा हुआ था उसमें से 6 माइनस का लेस हो जाएगा तो प्लस का 6 बचेगा, प्लस का 6 इस साइड हो गया, प्लस का 6 इस साइड हो गया। अब इसके बाद ये इक्वेशन हमारा हुआ फर्स्ट। अब हम बात करते हैं इक्वेशन सेकंड की, इसे हमने लिखा C2O4 डबल माइनस और गिव्स आउट CO2। तो यहां भी देखिए कार्बन आपके 2 है, यहां कार्बन 1 है, 2 का मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन यहां देखेंगे 4 है, यहां पर भी ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन ना तो इस साइड है ना ही इस साइड है। इसके बाद देखेंगे चार्ज को, यहाँ पर 2 चार्जेस हैं और यहाँ पर जो है कोई चार्ज नहीं,
जब यहाँ पर माइनस का 2 है तो यहाँ भी माइनस का 2 होना चाहिए, तो 2 का यहाँ इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो गेन करने पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो 2 नेगेटिव यहाँ हो गया, 2 नेगेटिव यहाँ हो गया। ये इक्वेशन होगा आपका सेकेंड। अब क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आपको सोल्व करना है, इनके इलेक्ट्रॉन में कैंसिल करने होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैंसिल तभी होंगे जब इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। तो इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है आपके, तो आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू 6 आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब उठा के ऐड कर दें आप, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, Cr2O7 डबल माइनस प्लस 14H प्लस, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 3C2O4 डबल माइनस गिव्स आउट यहाँ 2Cr प्लस का 3 और प्लस होगा 7H2 और प्लस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 3 2 6, तो 6 आपके कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो प्राप्त हुआ ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। देखिए इसमें सारे एटम्स ऑल एटम्स आपके बैलेंस्ड होंगे। तो ये था हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कोई भी इक्वेशन गिवन हो तो इक्वेशन बैलेंस करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक आपकी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक हमारी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आज हमने बात किया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की, कोई भी गिवन इक्वेशन हो, इक्वेशन दिया हो, उसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे हम बैलेंस करते हैं स्टेप वाइज। तो आपने देखा इस वीडियो में कि हमारा इक्वेशन आपका ये था Cr2O7 डबल माइनस प्लस C2O4 डबल माइनस गिव्स आउट Cr प्लस का 3 प्लस CO2 प्लस H2, इसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना था। तो आपने देखा कि स्टेप वाइज सबसे पहले इसको हाफ रिएक्शन में जो थी आपकी उनको हमने सेपरेट किया, इसके बाद एटम बैलेंस एंड चार्ज बैलेंस किया। एटम को बैलेंस करेंगे और चार्ज को बैलेंस करेंगे, यानी एरो के दोनों साइड का एटम बैलेंस होना चाहिए, एटम इक्वल होने चाहिए, इक्वल नहीं है तो उनमें मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में वाटर ऐड कर देंगे और बेसिक मीडियम में OH आयन ऐड कर देंगे, OH नेगेटिव। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम यदि है तो वहां पर H+ ऐड करेंगे और बेसिक मीडियम है तो H2O वाटर ऐड करेंगे। इसके बाद इक्वेशन को आप बना लेंगे और फिर देखेंगे कि अगर चार्ज देखना है, चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने हैं तो दोनों साइड का चार्ज इक्वल होना चाहिए, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या फिर ऐड कर देंगे, और जो इक्वेशन मिलेंगे उनको आप जो है ऐड कर दोगे। ऐड करने पर फाइनली एट लास्ट आपको बैलेंस्ड इक्वेशन मिलेगा, उसमें ऑल एटम आपके बैलेंस्ड होंगे। तो ये थी हमारी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करना। तो वीडियो को देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।